नमस्कार किसान भाइयों किसान खेती ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है किसान भाइयों आज की जानकारी दूंगा गेहूं में कल्लों का फुटाव क्या डाले जिससे कल्लों में फुटाव हो और हमारी फसल में बढ़वार अच्छी हो ग्रोथ अच्छी हो और हमें उत्पादन अच्छा मिले तो उसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ किसान भाइयों सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों आज की जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ उसमें आपने कई तरह की आप वीडियो भी देखते होंगे और कहीं आपको बताया भी जाता है कि आप ये खाद डालना किसान भाइयों ये खाद डालना आपने ये डालना, ये डालना है ये डालना है किसान भाइयों मैं आपको बताता हूँ आपने क्या डालना है किसान भाइयों आपने कुछ नहीं करना है आपने सिर्फ और सिर्फ यूरिया डालना है यूरिया डाल के किसान भाइयों सबसे पहले बात तो आपने अपनी गेहूं की सिंचाई कर देनी है आपने 22 से 25 दिन में और उसके बाद आपने तीन से चार दिन बाद यूरिया का प्रयोग कर देना है एक तो आपकी गेहूं की फसल पीली नहीं होगी दूसरा कल्लों में बड़वार होगी और किसान भाइयों अब मैं अब आप आपको आप बताता हूं कि जैसे आप मान लो अब देखो हमने इसमें कोई भी प्रयोग नहीं किया है कुछ भी और कल्लों की आप फुटाव दे सकते हैं आज लगभग चालीस दिन बाद कल्लों में फुटाव दे सकते हैं आप पोती बेहतर फुटाव है लंबाई भी अच्छी हुई है तो किसान भाइयों आपने क्या नहीं डालना है किसान भाइयों आप जैसे सागरिका धनजाइम गोल्ड अगर ये ऐसी ऐसी चीज़ें लाते हैं तो किसान भाइयों आप आज मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कोई भी कल्लों के फुटाव के लिए ले आएँ किसान भाइयों कुछ भी डाल लें आप सागरिका डाल लें धनजाइम गोल्ड डाल लें उसके अलावा फुटाव के लिए कुछ भी चीज़ें आप डालें किसान भाइयों आप उसको डालने के बाद दस दिन बाद आप चेक कर लेना तब भी आपके खेत में वो ऐसे की ऐसे ही पड़ी मिलेगी वो घुलेगी नहीं उसका दाना आपको वहीं मिलेगा जहाँ पर आपने डाला था और आप उसको डाल के भी दे सकते हैं चाहे पानी देने के बाद डाल लें चाहे पानी देने के पहले डाल लें क्योंकि किसान भाइयों ठंड के मौसम में सागरिका घंजाम गोल्ड ये चीज़ें घुलती नहीं हैं और ये खुलती हैं किसान भाइयों हमारी धान की फसल में जिसमें हमारा पानी पड़ा रहता है फसल में तो कल्लो में पुटाव कैसे होता है किसान भाइयों आपने अब चलो अब तो, तो कई किसान भाई बुआई कर चुके होंगे और कई किसान भाई अब आगे करने वाले होंगे लेकिन लगभग सभी किसान भाइयों ने बुआई कर ली है तो किसान भाइयों आपने करना क्या है आपने अपनी मिट्टी की तैयारी अच्छी से करना है आप मिट्टी में अपने खाद डालिए अपनी मिट्टी की उपजता गुणवत्ता को बढ़ाइए तो उत्पादन अपने आप ही मिलेगा कल्ला में फुटाव अपने आप होगा किसान भाइयों आप कुछ भी डाल लो जब कल्ले का फुटाव क्यों होता है किसान भाइयों अब ये देखिए ये पौधा केला खड़ा हुआ है ये फुटाव ज़्यादा कर रहा है अगर ज़्यादा नज़दीक होगा तो उनके फुटाव आप देख सक पाएंगे कि कम होंगे फुटाव फुटाव होता है किसान भाइयों हमने बीज कितना डाला हमारी ज़मीन कैसी है बीज हमारे यहाँ पर किसान भाइयों लगभग पर एकड़ में चालीस किलो का प्रयोग किया जाता है कई किसान भाई पैंतालीस के भी डालते हैं चालीस के जी बीज बहुत होता है क्योंकि ज़्यादा बीज डालने से क्या होता किसान नालिया नालिया है किसान भाइयों नालियाँ नालियाँ निकलती हैं फुटाव कम होता है तो उसमें आप कुछ भी डालो किसान भाइयों वो फुटाव नहीं कर पाएगी तो मेरा आप समझ गए होंगे किसान भाइयों मैं क्या कहना चाहता हूँ किसान भाइयों फुटाव कल्ले का बटवार वो उत्पादन Uh, होता है ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है आपकी ज़मीन कैसी है आप जो मर्ज़ी डाल लें और ये मैं जब आपको बोला गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप का डाल लें जो मर्जी डाल किसान भाइयों वो घुलेगी नहीं ऊपर से ठंडा मौसम होता है और धान में न गेहूँ में पानी नहीं होता जिससे वो घुलता नहीं ऐसे ही पड़ा रहता है आपकी फसल कट जाएगी लेकिन वो ऐसे ही पड़ा रहेगा तो किसान भाइयों अगर आप चैनल पर नए हैं जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लाइक करें कमेंट करें शेयर करें धन्यवाद